इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां पे 14 SAS अफसर जो है वो IAS अफसर बन गए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। आपको बता दें कि जनसंपर्क डायरेक्टर अजय अग्रवाल IAS बन गए हैं, वहीं संतीश देवांगन, हीना नेताम, अश्विनी देवांगन, रेणुका श्रीवास्तव, आशुतोष पांडे, रीता श्रीवास्तव, लुकेश चंद्राकर, सेमिल रंजन चौबे, ये सभी बन गए IAS। आपको बता दें कि प्रकाश सर्वे, गजेंद्र ठाकुर, लीना कासिम और तनुजा सलाम, वीरेंद्र बहादुर पंच भाई को IAS अवार्ड दिया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहा है रायपुर से, और जहां पे रीता श्रीवास्तव, लुकेश चंद्राकर, सेमिल रंजन चौबे को IAS बना दिया गया। आपको बता दें कि इनको 14 जो SAS ऑफिसर है वो IAS बने। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि प्रकाश सर्वे, गजेंद्र ठाकुर, तनुजा सलाम, वीरेंद्र बहादुर पंच भाई को IAS अवार्ड दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पे 14 SAS अफसर IAS बने हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। आपको बता दें कि जनसंपर्क डायरेक्टर जो थे अजय अग्रवाल वो IAS बने हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। इसके साथ ही संतोष देवांगन, हीना नेताम, अश्विनी देवांगन के साथ साथ अन्य जो हैं जैसे कि रेणुका श्रीवास्तव, आशुतोष पांडे, ये सभी IAS बने। आपको बता दें कि इन सभी को IAS अवार्ड दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही रीता श्रीवास्तव, लोकेश चंद्राकर, सेमिल रंजन चौबे के साथ साथ जो प्रकाश सर्वे है, गजेंद्र ठाकुर है और लीना कोसम को IAS अवार्ड दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहा हूं। बता दें कि इन्हीं में तनुजा सलाम, वीरेंद्र बहादुर पंच भाई भी शामिल है। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से, जहां पे 14 SAS अफसर IAS बने हैं।